हाय एवरीवन, टेलीफोनिक कंसल्टेशन की सीरीज़ में आज दूसरा वीडियो है। किसी ने अपॉइंटमेंट बुक करके ये अपना सवाल पूछा है और रिक्वेस्ट करी है कि उनकी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए पहले इनका सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल बहुत लंबा है, ठीक है। मैम, मुझे 2012 से कॉन्स्टिपेशन है, मीन्स मेरा पेट साफ नहीं होता। स्टार्टिंग में मेडिकल स्टोर से दवा ले लेता था, कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि आपको IBS-C की प्रॉब्लम है। और भी बहुत लंबा लंबा लिखा है, यहाँ पर साइड में चल रहा है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको समरी पढ़ के सुना देती हूँ। समरी भाई ये है कि 2012 से, यानी कि पिछले 8 साल से कॉन्स्टिपेशन है। पहले लोकल ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद एक MD डॉक्टर से चेकअप करवाया, उन्होंने बोला कि आपको IBS की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब फ़ायदा हो गया, बाद में फिर से वैसी की कंडीशन आ गई। फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, नहीं, पहले होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया, वहाँ से फ़ायदा हुआ, फिर उसके बाद कंडीशन सेम आ गई। उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ट्राई किया, जिसमें उन्होंने त्रिफला और ईसब गोल का प्रयोग किया, उससे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला, फिर नहीं मिला, कंडीशन वापस वहीं आ गई। फिर उसके बाद में, ये सब होने के बाद में, बीच में उनको थोड़ी सी कुछ एलर्जी, हेडेक की प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन वो एक अलग बात है, ठीक है। अब उसके बाद ये वर्तमान कंडीशन में अभिपत्तिकर चूर्ण, त्रिफला, ईसबगोल और एलोपैथी की एसिलॉक और भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, इनका सेवन करते रहते हैं। अभी किसी व्यक्ति ने इनको बोला कि आपको एल्बेंडाजॉल लेना चाहिए, एल्बेंडाजॉल लेने से इनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। ये है इनकी समरी। अब प्रेजेंट में इनको क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज़ तो सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, और भी सेक्सुअल जो प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉपर तनाव का ना होना वगैरह, ढीला हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। सुबह प्रेशर ढंग से नहीं बनता, सुबह उठते हैं मोशन जाने की इच्छा नहीं रहती, प्रेशर नहीं बनता है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, गैस पास नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अभी ये प्राणायाम, सूर्य नमस्कार वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते। पुरानी हिस्ट्री है मास्टरबेशन की, अल्कोहल की, टबैको की, ठीक है। ये है केस, आपको डिटेल पढ़ना है तो साथ में यहाँ चल रहा है, आप इसको आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपके कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। पहली चीज़ तो IBS की जो कंडीशन है, आप मुझे पे करके सवाल पूछो या फिर फ्री में मैं वीडियो बनाऊँ, जो सही है मैं आपको सही ही बता पाऊंगी। IBS की जो प्रॉब्लम होती है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस का होना। उसमें बॉडी के अंदर जो फैक्टर है वो सेकेंडरी है, पहला फैक्टर है स्ट्रेस। व्यक्ति का जैसे ही बॉडी पे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, बॉडी की, मतलब इंसान का जो दिमाग है रिलैक्स हो जाता है, हमारी जो नर्व सप्लाई है वो रिलैक्स हो जाती है, इंसान की IBS प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति का टेंशन बढ़ा, एनग्जाइटी बढ़ी, टेंशन से भी ज़्यादा एनग्जाइटी। अब टेंशन और एनग्जाइटी में क्या अंतर है, इसको समझ लीजिए। टेंशन होती है यार जॉब में क्या करना है, नहीं होगा, नौकरी से निकल गया तो क्या हो जाएगा, पैसे नहीं है, घर का बिल कैसे जाएगा, EMI कैसे जाएगी, ये टेंशन है भविष्य की। एनग्जाइटी क्या होती है, कई बार मुझे भी हो जाती है एनग्जाइटी। अब मैं अपनी कंडीशन में आपको बताती हूँ मुझे कैसे होती है एनग्जाइटी। या क्लिनिक से आए, घर पे रोनी मिका रो रहे होंगे, रोनी मिका को देखूं कि खाना बनाऊं कि उन लोगों को खाना दूं, कि बाहर वाले डॉग्स का खाना करूं, कि वीडियो शूट करूं, कि ईमेल का रिप्लाई करूं, कि क्या करूं, दिमाग में इतने सारे थॉट कंटिन्यूअस चलते हैं। अपनी कंडीशन में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ये आपके साथ भी होता है, हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ होता है। जब ये कंडीशन कभी कभार है तो नॉर्मल है, लेकिन कई बार ये इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है, और कुछ पेशेंट जिनको IBS की प्रॉब्लम होती है, उनके साथ तो ये कंडीशन रहती है कि उनकी दिमाग का, उनका स्टेट ऑफ माइंड ही यही हो जाता है कि वो इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, दिमाग में इतने ज़्यादा थॉट चलते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं होती। ये काम करते हैं, ये काम करने के लिए जाते हैं तो लगता है वो दूसरा काम करना बाकी रह गया, दूसरा काम करते हैं तो लगता है तीसरा काम का बाकी रह गया, मतलब दिमाग में कहीं भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको IBS की प्रॉब्लम बार बार डेवलप होगी, चाहे आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट लो, चाहे एलोपैथी लो, चाहे होम्योपैथी लो, चाहे कुछ भी मत करो, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपको वापस से अच्छा होने लगेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे ही आपको तनाव महसूस होगा, एनग्जाइटी होगी, वैसे ही आपकी IBS की प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल समझना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे हर ट्रीटमेंट में, मैं जिसको भी ट्रीटमेंट बोलती हूँ, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन करना। आपको अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि 10 मिनट के लिए आप रिलैक्स हो जाओ, बैठो शांति से, सारी टेंशन छोड़ के
10 मिनट बैठो, भगवान के सामने बैठना है भगवान के सामने बैठो, कमरे में बंद होके बैठना है कमरे में बंद होके बैठो, कान में म्यूज़िक सुन के बैठना है तो म्यूज़िक सुन के बैठो, कैसे भी बैठो लेकिन रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में जो कंटिन्यूस थॉट्स जो चल रहे हैं उसको थोड़ा सा ब्रेक देना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपके ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, क्योंकि IBS में पूरे दिन भर तनाव रहता है, आप 10 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओगे लेकिन बाकी जो 24 आवर्स का जो टाइम है माइनस 10 मिनट, उसमें जो आप टेंशन ले रहे हो उसका असर तो आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको शॉर्ट रिलैक्सेशन करने चाहिए। शॉर्ट रिलैक्सेशन क्या है, ये मैंने पेशेंट के लिए इजाद की है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने इजाद की है, डेफिनेटली मैंने नहीं किए होंगे लेकिन फिर भी ये है कि आपको क्या करना है। पहली बात तो सुबह उठकर कुछ समय के लिए, भले ही 10 सेकंड के लिए, आप गहरी सांसें छोड़िए, मुंह से छोड़ो आराम से, जस्ट रिलैक्स, और हर ब्रीथ के साथ में अपने आप को बोलना है रिलैक्स रिलैक्स। शुरू में सुबह उठते ही 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड आपको लगने वाले हैं, एक सांस गहरी लेनी है और छोड़नी है। उसके बाद इस चीज़ को आपको दिन में कई बार करना है, कम से कम 5 से 6 बार, 5 से 6 बार बस अपनी बॉडी, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, एक्स वाई जेड, चाहे वो कोई मीटिंग है या घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं या कुछ भी और काम है, जस्ट रिलैक्स सम टाइम के लिए, कुछ सेकेंड, 10 सेकेंड लगने वाले हैं। अगर आप 24 घंटे में ऐसा 10 बार भी ब्रेक ले लोगे तो आपको खुद ही अपनी बॉडी में बहुत अंतर लगेगा। दूसरी बात, आपको ये चीज़ ऐसा नहीं करना कि केवल 10 दिन कर दी और 11वें दिन आप सही हो गए, ये आपको अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आजकल के समय में ये IBS जैसी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल वाली प्रॉब्लम, IBS है, थायराइड है, फीमेल में होने वाली PCOD प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, ये इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, पहले नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, आयुर्वेद में कहीं इनका इतना ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है, लेकिन ये कभी भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज़, आपने त्रिफला अविपत्ति का चूर्ण का सेवन किया, बहुत अच्छी बात है, अभी मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जिसका आप सेवन करिए। अविपत्ति का चूर्ण आपको लेना है, अविपत्ति का चूर्ण आधे चम्मच की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है, ठीक है। अविपत्ति का चूर्ण आधे चम्मच की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। दूसरी चीज़ आपको प्रयोग करनी है, वो है कुटजारिष्ट। कुटजारिष्ट 15 ml की मात्रा में आधे कप पानी में मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको लेना है, ठीक है। कुटजारिष्ट 15 ml की मात्रा में आधे कप पानी में मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको लेना है। तीसरी चीज़ आपको जो करनी है, वो त्रिफला का चूर्ण आपने प्रयोग किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कंटिन्यूस प्रयोग नहीं करना है, खासतौर से IBS की कंडीशन में। IBS में क्या होता है ना कि अधकच्चा खाना, बिना पचा हुआ खाना बाहर निकलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लैक्सिकेटिव लेते रहोगे, बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिसिन लोगे जो खाने को और बाहर निकालते हैं, तो उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय धीरे धीरे और बढ़ जाएगी। तो त्रिफला चूर्ण का प्रयोग, आधे चम्मच त्रिफला चूर्ण यानी कि करीबन 3 ग्राम की मात्रा में त्रिफला चूर्ण एक चुटकी नमक मिलाकर, काला नमक होगा तो और ज़्यादा अच्छा है, त्रिफला चूर्ण लीजिए आधा चम्मच, एक चुटकी काला नमक डालिए, मिक्स करिए और इसको गुनगुने पानी के साथ में आपको लेना है रात में, लेकिन हर तीसरे दिन, यानी कि 2 दिन का गैप करना है बीच में, हर चौथे दिन। अगर आपने आज लिया है, 1 तारीख को लिया है, तो आपको 3 और 4 को नहीं लेना है, 1 तारीख को लिया है तो आपको 2 और 3 को नहीं लेना है और 4 को आपको फिर से लेना है, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक करके लीजिए, ठीक है, ये 3 मेडिसिन हो गई आपकी। चौथी मेडिसिन, या मेडिसिन बोलूँ या लाइफ स्टाइल बोलूँ, पर आपको करना है, वो है दिन में कम से कम 2 बार सुबह शाम खाली पेट पेट के ऊपर नारियल तेल की मालिश करनी है। ये सिर्फ IBS की कंडीशन के लिए नहीं होता, आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसमें आपको ये चीज़ जो है, ये टिप है, वो फ़ायदा पहुँचाएगी। आपको पेट के ऊपर, पेट के ऊपरी हिस्से से प्रेस करते हुए नीचे लेके जाना है, पेट के ऊपर नारियल तेल की मालिश करनी है। मालिश आपको हल्के हाथ से करनी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, केवल इतना प्रेशर देना है हल्का सा कि आपकी जो इंटेस्टाइन की जो गति है वो ऊपर की बजाय नीचे को हो जाए।
जब आप बार बार ऐसे ऊपर से नीचे प्रेस करते हो ना, अपनी उंगलियों की सहायता से दबा दबा के ऊपर से नीचे प्रेस करते हो, तो उससे क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की गतियाँ हैं वो जो ऊपर चल रही थी, इरेगुलर हो रही थी, वो नीचे की तरफ हो जाती है। अगर आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो जो अपान वायु है, जिसका काम है आपके शरीर से मल और मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, वो आपकी सामान्य अवस्था में आ जाती है। तो ये चीज़ आपको करनी है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पानी उबालकर ही आपको पीना है। पानी उबालकर पीने का नियम हर व्यक्ति के लिए है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी प्रकार से वीक है, तो आपको पानी उबालकर ही पीना चाहिए। पानी उबालकर पीने में अगर आपके यहाँ आरओ का पानी आता है, मिनरल वाटर आता है जो आपको लगता है ऑलरेडी प्यूरिफाइड है, तो उस गलत फहमी में मत रहिए। आपको अपने सामने पानी उबालना है। पानी में 3 से 4 अच्छी उबाली आ जाए, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब आप ठंडा हो जाएगा तो वो पूरी उसकी गंदगी रहती है वो नीचे जम जाएगी, उसके बाद उसे निथार लीजिए और उस पानी का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने अपने दिमाग के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर मेडिटेशन को अपने लाइफ स्टाइल का हिस्सा नहीं बनाया, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। अब लास्ट में बात करते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम की। आयुर्वेद में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि जो IBS की कंडीशन होती है, IBS की कंडीशन को आयुर्वेद में सन्निपातज ग्रहणी कहा जाता है। सन्निपातज ग्रहणी में आपको हमेशा ही सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होना चालू करिए, अपनी ब्रीथ पे, अपने रेस्पिरेशन पे, अपनी सांस की गति के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चालू करिए। आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी, बाकी सारी प्रॉब्लम भी सही हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सवाल था उसको मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। दूसरा एक और जन ने सवाल पूछा है, इन्होंने अपने सवाल पे कुछ खास लिखा नहीं है, केवल इतना बोला है मुझे सेक्सुअल वीकनेस है, फोरप्ले में ही डिस्चार्ज हो जाता हूँ, रीज़न बचपन में मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करवाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। अब देखिए यहाँ पर भी सेम बात लागू हो रही है, आप मुझे एक बार पे करो, 10 बार पे करो, 50 बार पे करो, मेरे जो वर्ड मैंने अब बोले हैं वीडियोस में, मैं उसको नहीं बदलने वाली। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, ये सब केवल और केवल दिमाग से नियंत्रित होते हैं। कल ही एक व्यक्ति ने मुझसे अपॉइंटमेंट बुक किया था, उनके मॉडर्न वाले जो बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल है, B12 का नॉर्मल है, कैल्शियम नॉर्मल है, फलाना नॉर्मल है, ढिमकाना नॉर्मल है, लेकिन फिर भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है। कई पेशेंट को होते हैं, सब कुछ नॉर्मल है फिर भी प्रॉब्लम है। उसका कारण केवल दिमाग है और कुछ नहीं है। दिमाग कैसे है? जब आप सेक्स करते समय तनाव में है, जल्दी डिस्चार्ज नहीं हो जाए, जल्दी डिस्चार्ज नहीं हो जाए, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वाइफ सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, सही हो रहा हूँ नहीं हो रहा, इतने सारे सेक्स से रिलेटेड दिमाग में सवाल चलते हैं कि उसकी वजह से इंसान घबराहट में आके डिस्चार्ज हो जाता है। कोई रीज़न नहीं है। प्लीज़ आप सेक्सुअल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से रिलेटेड ऑलरेडी 4 या 5 वीडियोस आ चुके हैं, सारे वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगी, स्पेशली IBS वाले भी और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वाले भी। प्लीज़ वो सारे वीडियोस देखिए, अपने आप को सेक्सुअली एजुकेट करिए, अपने दिमाग के ऊपर ध्यान देना चालू करिए और अपनी संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करिए। और आपके दिमाग में यदि कोई सेक्सुअल थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनको डायरेक्शन देने का काम करिए। डायरेक्शन देने का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हो क्योंकि आप सेक्सुअल थॉट को कभी भी बंद नहीं कर सकते, वो नेचुरल है। किसी प्रकार के जो थॉट दिमाग में आ रहे हैं वो नेचुरल है, वो एक एनर्जी है, लेकिन आप उसको सही तरीके से डायरेक्ट ज़रूर कर सकते हो। तो सही तरीके से डायरेक्ट कैसे होगा? मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल ऑडियो देखिए, अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, सही आपको एडवाइस देते हैं। ट्रीटमेंट की स्पेसिफिकली कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा 19-20 का जो ट्रीटमेंट है, लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से वीडियो आया था, किसी और व्यक्ति ने सवाल पूछा था, प्लीज़ वो वीडियो देखिए, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सारी मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपका कोई सवाल है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर डिस्कशन करूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में मत पूछिए, पे करके पूछिए, वेबसाइट के थ्रू ये वाला जो ऑप्शन है वो वेबसाइट के थ्रू है। यदि आपका जनरली कोई सवाल है, आप चाहते हैं, छोटा मोटा कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे सवाल पूछिए जिसका 1 वर्ड में आंसर दिया जा सकता हो। ऐसे मत पूछिएगा कि मलेरिया का ट्रीटमेंट बताओ, अब मैं कमेंट में मलेरिया का क्या ट्रीटमेंट बताऊँ यार कि हाइट बढ़ाने का नुस्खा बताओ, क्या बताऊँ, हाइट बढ़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करिए, सिंपल वाले जिनका आंसर दिया जा सकता है, आप खुद भी जानते हैं कि जिनका 1 वर्ड में आंसर देना पॉसिबल है, ऐसे सवाल करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।